सो फाइनली वी हैव रीच ले और वहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर पाए, तो यहाँ पे है मेरे साथ माधुवी दी और इधर पे है भूपेश दा और इधर पे है मेरा दोस्त सोमेश। My heart is beating, I know the pieces, which one is broken and one is weak, because I have seen you fall apart, I have no rules apart to play, I didn't have anything to say, follow your heart, don't overtake it, if you leave it behind, someone will break it, I left you my heart, what did you do, you used it and abused it, you left me all sad and sad, was my love untrue, was it that bad, you have no answers in life, don't know without you, how will I survive? पाकुला रिपोचे एयरपोर्ट ले में आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस है। सो वी हैव रीच्ड ले और वी कांट शूट इनसाइड द एयरपोर्ट, सो बाहर जाके बात करते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड ले और वहाँ पे ज्यादा बात नहीं कर पाए, तो यहाँ पे है मेरे साथ माधुवी दी और इधर पे है भूपेश दा और इधर पे है मेरा दोस्त सोमेश। सो माधुवी कुछ कहो। हमें अभी ऑपोजिट और सनलाइट, इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। लोग तो विंटर में विदेश जाते हैं, मैं हम लोग हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा ले लद्दाख में आए हैं विंटर वैकेशन मनाने। और टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको एक बात बताते हैं, हम लोग वी आर कमिंग हियर विथ द बेस्ट कैमरा which has given by God, that is our beautiful eyes. Yeah, absolutely. And just we can't wait to discover Leh. Madhuvidi, this is your this is our fourth time. Your fourth time, yeah. And my first time, and the captain of the group is Madhuvidi, so she will take us all and throughout Leh. One more thing, yeah. Hum log sirf apne nazar se Leh dekhne nahi aaye, hum bhi Leh dekhenge, aapko bhi Leh ke saath introduce absolutely karate rahenge. Absolutely. To chaliye, filhal we are very tired, now we are proceeding to our hotel. Yeah. To aage se बहुत सारा स्टोरीज वेट कर रहा है, तब तक के लिए अलविदा। फ्लाइट में आपने देख लिया क्या नज़ारा था, ये तो कुछ भी नहीं है, अब शुरुआत है। और हम चल पड़े हैं होटल की तरफ और ये वादियाँ, वाह। इट्स क्रेजी। उसके बाद पूरा पानी उसके बाद आया नहीं, पूरा ड्राई हो गया। We have reached our hotel.
इट्स कॉल्ड पैलेस व्यू, यू कैन सी वहाँ दिख रहा है, और ये है व्यू यहाँ का। वाओ, चलिए अंदर चलते हैं। चलो, इस पैलेस व्यू, बहुत ठंड है भाई, इट्स फ्रीजिंग। इस पैलेस व्यू, ये एक रूम है। तो आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। सोमेश जी, क्या है ब्रेकफास्ट में? ब्रेड ऑमलेट, एकदम देसी खाना। देसी खाना, ब्रेड ऑमलेट देसी नहीं है, इंग्लिश है भाई। ब्रेड ऑमलेट, कॉफी, और जो ठंड है भाई। और ठंड और बर्फ कभी और बर्फ कभी कभी। सो आवर ब्रेकफास्ट इज हियर। ब्रेकफास्ट और ठंड दोनों एक साथ खाएंगे। यहाँ का गांव गांव विजिट करना है। ओए तो एक दिन जाबो तो हमरा। इस तीन दिन में हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? एकदम सुबह निकलेंगे। आज तो खत्म हो गया। आज शुरू नहीं हुआ अभी तक। ठंड खत्म कर दिया पूरा। आज तो इधर उधर जाने नहीं है जो है। मैंने ले सिटी के अंदर। सनसेट कब तक हो जाएगा? 6 बजे ना? ना पौने 6 बजे के बाद। अभी टेम्परेचर है -8, ऐसा कुछ दिखा रहा है फोन में। तो पहला है दिन का टाइम में फ्लाइट चलता है ना? हाँ। 1 बजे के बाद बस पूरा बंद। यहाँ देखना जो भी फ्लाइट होगा मॉर्निंग फ्लाइट सब, क्योंकि धूप निकल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद वेदर खराब होगा। 12 बजे के बाद से क्लाउड, बारिश भी हो सकता है। देखिए सब मैं थोड़ा जी बताइए, -8 डिग्री में आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अजीब सा फीलिंग है, कान बंद हो गया है। हाँ। नाक से कुछ स्मेल नहीं आ रहा है। आप कहाँ रहते हो वो पहले बताओ मेरा ऑडियंस को, कहाँ रहते हो आप? हैदराबाद। हैदराबाद से अभी आए हो? हैदराबाद में जो टेम्परेचर है हाँ। वो इस टाइम में ऑलमोस्ट 30-31-32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हाँ। और यहाँ पे डायरेक्ट -6 में आ गए, तो अजीब सा मिक्स फीलिंग है। और बोलिए मैडम जी, कैसा लग रहा है और आज का प्लान क्या है हम लोग का? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन हेवन। ऐसा ही बोला जाता है कि पहाड़ों में स्वर्ग है, वही स्वर्ग के खोज में हम आज लद्दाख आ पहुंचे। इससे पहले 4-5 बार ऑलरेडी आ चुके हैं, पर विंटर में दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम हियर इन विंटर। एंड दिस इज एक्चुअली ऑफ सीजन, राइट? दिस इज ऑफ सीजन। यहाँ का टेम्परेचर है -8 डिग्री। -8 डिग्री, हम कलकत्ता के सर्दी में ही पागल हो रहे थे। दिन के टाइम में इस -8, अभी दिन में -18-20 हो सकता है, आराम से हो सकता है। पर हाँ, वेदर 12:30 को -8 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, और हमारे 12:30 को हैदराबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हम लोग 12 बज गया। हम लोग ऑलमोस्ट 40 डिग्री नीचे आ गए। हाँ, अभी दिन के टाइम में है -8, रात तो रात को क्या होगा पता नहीं। अभी दिन, अभी हम लोग का प्लान क्या है आज का? डे 1 आग जला करके रूम में रहेंगे। वी जस्ट हैव लैंडेड टुडे,
तो आज वी नीड टू एक्लिमेटाइज एक्लिमेटाइज करना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आगे खारदुंगला और कहीं हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा लेक मार्केट एरिया में हम लोग घूमने जाएंगे, बॉडी थोड़ा एक्लिमेटाइज करना है, मिलना है, एक्लिमेटाइज करना है, खाना पीना है, मौज मस्ती करना है। और भूपेश बाबू यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ में कुछ मेलिंग भी करना है। वाईफाई का पासवर्ड पता चला है, वाईफाई का पासवर्ड अभी तक नहीं मिला हम लोग को, मिल गया, देखिए जो काम हो सकता है कर लेते। अच्छा, और ये है हम लोग का होटल पैलेस व्यू, जुले फ्रॉम ले। कल एक्चुअली मूड थोड़ा ऑफ था मेरा, बहुत टेंशन में था, क्योंकि मैं जब कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा तो आई वाज लेट, काउंटर क्लोज हो चुका था और एयरलाइंस अथॉरिटी दे सेड कि वो लोग लगेज नहीं लेंगे, आपको ऐसा जाना है, लगेज आपको परसों मिलेगा ले में। तो आई वाज वेरी टेंस्ड, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर में मैं कैसे जीऊंगा विदाउट माय क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, बहुत टेंशन में था। लेकिन एयर इंडिया अथॉरिटीज लास्ट मोमेंट में मेरा बैगेज उसी फ्लाइट में दे चेक्ड इन और सही सलामत मुझे मिल गया आज सुबह ले एयरपोर्ट से। सो थैंक यू एयर इंडिया। और एक बात, एयरपोर्ट पहुंचो टाइम में, 1 घंटा पहले काउंटर गेट्स क्लोज्ड, मुझे लेसन मिल गया और कभी भी नहीं करना ऐसा काम, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। और पूरा मैं जो व्लॉग बना रहा था दिमाग में बहुत टेंशन था, तो प्लीज बी ऑन टाइम और पहुंच जाइए जहां भी आपको जाना है। फिलहाल ये है मेरा जन्नत जहां पे मैं हूं, सी दिस, एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्या बताऊं। और जब मैं फ्लाइट में था, यू हैव सीन द विजुअल्स, लाइक कौन सा कैप्चर करूं कौन सा कैप्चर नहीं करूं, एंटायर फ्लाइट माय वीडियो कैमरा वाज ऑन, लाइक आई वाज शूटिंग एवरीथिंग जो मिल रहा था। इट्स क्रेजी, एब्सोल्युटली हेवन, आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और वही बात मैं सबको बोल रहा था, मेरा दोस्त लोग को फोन में, जब भी मैं लैंड किया, आई वाज कॉलिंग एवरीवन एंड टेलिंग दिस इज वेयर आई एम, दिस इज जन्नत, एब्सोल्यूट जन्नत। और ऑफ सीजन है इस टाइम, टूरिस्ट लोग नहीं आते, एक्चुअली दे डोंट कम दिस टाइम इन ले, और इसका अलग मजा है। द एंटायर ले सिटी इज क्वाइट एम्प्टी विदाउट टूरिस्ट, लोकल पीपल आर हियर ओनली, और ऑफ सीजन का एक अलग मजा होता है। एंड पर्सनली आई लव टू विजिट प्लेसेस इन ऑफ सीजन, क्योंकि पीस ऑफ माइंड मुझे हमेशा चाहिए और उसका एक अलग मजा होता है, बिकॉज आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई एम अ ट्रैवलर। एंड दोस्त लोग जो भी यू आर वॉचिंग दिस, जो लोग ट्रैवलर हो, एक्सप्लोरर हो, आई नो यू लव दिस काइंड ऑफ टाइम, ऑफ सीजन टाइम टू विजिट प्लेसेस। लेकिन एक ही बात है, ले में अगर विजिट करना है इस टाइम में, तो सारा बंदोबस्त करके आओ। यू कैन सी व्हाट आई एम वेयरिंग, तीन लेयर है, उसके बाद भी हाथ जम रहा है। और रात को क्या होगा पता नहीं, इट्स नाउ 1 o'clock, इट्स 1 PM इन द आफ्टरनून, बहुत हाल खराब है भाई, शाम को क्या होगा पता नहीं, लेकिन दिस प्लेस इज समथिंग एल्स, जन्नत।